फ्रेंड्स, हमने पिछले लेसन में जो है सिम्पसन का वन थर्ड रूल पढ़ा था, ट्रेपीजोइडल रूल पढ़ा था और सामान्य क्षेत्रफल का सामान्य सूत्र पढ़ा था जिसके द्वारा हम सारे सूत्र डेराइव करते हैं। इस लेसन हम जो है सिम्पसन का 3/8 3/8 रूल और बेडली का रूल पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक सिम्पसन के एक तय नियम का एक सवाल कर लेते हैं। वो क्वेश्चन आपके एक बार आया हुआ है 5 नंबर का, क्या है देखें वो ये है, 0 से 4 तक ई एक्स का समाकलन करना है। तो देखें हम क्या करेंगे इसमें, आप देखो कि जो सिम्पसन का 1/3 रूल है वो ध्यान होना चाहिए थोड़ा सा, मैं किससे बना हुआ है। सिम्पसन का 1/3 रूल जो है आपका, वो आपका एन बराबर 2 के लिए है। एन बराबर 2, इसका मतलब जो है आप अंतराल के विभाजन जब करोगे तो 2, 4, 6 मतलब 2 के उसमें होना चाहिए मल्टीपल में। तो 2 के मल्टीपल होगा उस रूप में आपको विभाजन करना है। तो 0 से 4 सिम्पसन 1/3 लगाओगे आप तो आपको जो है 2 भागों में मतलब 2 में या 4 भागों में विभाजन करना है। जितने आप भाग ज्यादा करोगे उससे उतना एग्जैक्ट मान आएगा। तो इसको हम 4 भागों में विभाजित करेंगे। जबकि सिम्पसन का 3/8 जो रूल है उसमें जो है एन का मान 3 है, तो आपको अंतराल जो है आपको 3 लेने पड़ेंगे, 3, 6 या 9 इस तरह से 3 के उसमें। तो यदि हमें कोई ऐसा सवाल करना पड़ता है जो सिम्पसन 1/3 से भी हो, सिम्पसन 3/8 से हो, तो हम 6 भागों में विभाजित करते हैं जिससे 2 का भी भाग जाता है और 3 का भी भाग जाता है। तो हम पहले देखते हैं इसको सिम्पसन 1/3 से 0 से 4। तो आपको क्या करना है, 0 से 4 तक लेकर सभी बिंदुओं पर आपको मान निकालना है। E0, E1 इसमें फंक्शन में यहाँ रखोगे आप E1, E2, E3, E4 ये सारे मान आप निकाल लोगे। फिर आप 4 सामान्य भागों में विभाजित करोगे तो आप देखो आपका एच कितना आएगा, 4 में से यानी B-A/A आपने कितने भाग किए हैं, 4, तो 4 भाग दिया, एच का मान 1। आप Y0 और ये आप माने ये है ही लेके Y0 से लेके Y4 तक। सिम्पसन का एक तय नियम क्या है वो आपने देखो पढ़ रखा है, Y0 से Y4 ux dx बराबर होगा आपका h/3 जो आपका पहला और अंतिम है वो सबसे पहले आएगा, Y0 + Y4 और इसके बाद 4 से गुणा होके आएगा विषम वालों का वो Y1 / Y3 और जो आपका सम है 2/2 मतलब उसका दोगुना होके आएगा। तो पहला और अंतिम तो सबसे पहले आएगा, उसके बाद विषम आएंगे 4 से गुणा होके और 2 से गुणा हो गया आएगा आपका सम, और इसमें आप मान जमा दोगे Y0, Y4 ये सभी के ये ऐसे इसमें 4 से ये जोड़ के 4 से गुणा कर लिया और इसका 2 से गुणा कर लिया, तो आप ये मान ही आ जाएंगे, इनको जोड़ के 3 का भाग दे लेंगे तो ये आएगा आपका 53.8733 मतलब 53.8733 दिया गया। निश्चित समाकल का वास्तमान क्या होगा, देखो आप समाकल करिए x का dx, 0 से 4 हमारे लिमिट लगाएंगे तो E4 - E0 बराबर आपका आएगा 54.60, E4 का मान है इसमें से घटाएंगे 53.60 तो जो हमारा आया है 53.87, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये इतनी त्रुटि रहती है इसमें। अब देखें सिम्पसन का 3/8 रूल क्या है, ये आपका 2018 में एक आधे नंबर का पूछा गया है यही सेक्शन में, तो देखिए ये आपको ये आया है x0 से लेके x0 + nx बराबर 3h आप 3h/8 3h/8 Y0 Yn आपको पहला और अंतिम, फिर 3 से गुणा हो गया आएगा आपके 3 के मल्टीपल को छोड़ के यानी Y1, Y2, Y4, Y5, Y7, Y8 और जो 3 के मल्टीपल है वो 3, 6 और ऐसे 9 वो सभी 2 का गुणा हो जाएगा। तो देखिए सामान्य क्षेत्रफल सूत्र हमारा क्या है, ये हमारे चारों सूत्रों का काम आता है ट्रेपीजोइडल में, सिम्पसन के 1/3 और 3/8 रूल में और बेडली के रूल में। तो ये हम थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे इसे, I = H(ny0) + n²/2 Δy0 + n³/3 - n²/2 2Y0/2 और n²/4 - n³/n² ये क्वेश्चन बंद हो जाएगा। Δy³/0 और 3 का फैक्टर, मैक्सिमम यहाँ तक जाते हैं इसमें 3/8 रूल में, लेकिन यहाँ से भी आगे हम 6 तक जाते हैं उसमें इसमें न्यूटन बेडली के रूल में, बेडली के रूल में जाएंगे हम। तो पहले हम ये 3/8 रूल को देख लेते हैं, तो यहाँ बराबर आपको 3 रखना है तो आपको ये माना जाएगा
आज कहा था x0 से x0+3h तक, जो हमने x0+nh n का मान 3 रखा है, तो x0 से x0+3h तक बाय dx बराबर h 3/0 9/2 Δy0 27/3 -9/2, इसमें से इसे घटाएंगे तो आप ये बन जाएंगे ये, और Δy0 मान रखेंगे आप y1 - y0, ये Δ2 का मान रखेंगे y2 - 2y1 + y0, और Δ3 इसका मान रखेंगे तो y3 - 3y2 + 3y1 - y0, सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/8, इसको हल करेंगे तो आप आएगा 9/4। ठीक है, अब आप देखें कि अगर आप ये अंतिम आपका हल हो गया है 3/8h / 0 और y3, और आप इस बीच में y1 और y2 में 3 का गुणा हो गया है, तो 3/8h तो आपका समझे से मतलब हमने कॉमन लेके बाहर रख लिया, और ये y0 + y3 बचे आएंगे, और 3y1 और y2। अब देखो आप जैसी इसी प्रकार अगर आप निकालेंगे 3 के अंतर से x0 + 3h से 6h तक, तो आपको यहाँ हो जाएगा y3, फिर 3y4, 3y5 और y6। इसी प्रकार आप n-3 से nh तक लोगे x0 + n-3 से n x0 + nh तक, तो यहाँ आएगा 3h/8 yn-3 + 3yn-2 और 3yn-1 + yn। अब इन सभी समाकलों का योग करोगे ना, तो आप जैसे समाकल की प्रॉपर्टी लगाओगे, सभी समाकलों की लिमिट जो है जहाँ एक दूसरी समाकल की खत्म होती है दूसरा समाकल शुरू होता है, तो ये आपका x0 से x0+nh तो हो जाएगा, इनकी सारी की लिमिट जुड़ के x0 से x0+nh तक। राइट में क्या होगा आपका कि जो पहला और अंतिम है वो y0 + y n, जो आपके तीन मतलब तीन के मल्टीपल को छोड़ के वो आपके तीन तीन में ही है, y1 + y2, y4 + y5, इनमें सभी में तीन गुणा है, लेकिन जो आप y3 और y6 है ये आपके दो दो से गुणा हो जाएंगे, दो यानी y3 + y6। बेडेली का क्या रूल है, तो बेडेली का रूल देखें, देखो जो सामान्य क्षेत्रफल सूत्र है आपका, उसमें ये सामान्य क्षेत्रफल सूत्र ये कंप्लीट नहीं है, ये आपको डेल्टा भी आज 6 तक ले जाना पड़ेगा, इसमें एन बराबर 6 लिखेंगे, तो एन बराबर अगर आप 6 रखोगे तो आप ये मान बन जाएंगे एच 6y0 + 18 Δy0 + 27 Δ2y0 + 24 Δ3y0 + 123 y0 + 123 10 Δ4 33/10 Δ5 41/41 Δ6। अब यदि हम लास्ट वाले Δ6 की जगह 41/140 की जगह यदि हम 3/10 लें, अगर हम 3/10 लेते हैं उसका लघुगणक मान लेते हैं, तो हमारे में इतनी त्रुटि रह जाएगी 3 मतलब h/140 Δ6/0, इतनी त्रुटि इसमें रह जाएगी, लेकिन हम लघुगणक मान ही निकालते हैं इसमें, तो हम इतनी त्रुटि होने देते हैं, फिर हमारा जो हल करने के बाद जो है ये Δ2 Δ3 Δ6 तक के प्रसार करके इनके मान रखेंगे, तो हमारा अंतिम मान जो है ये आ जाएगा 3h/10, ये कॉमन रहेगा जो हमने माना था ये 3/10 ये, और h आपको पहले से था ही, 3/10 h ये आपका रहेगा सूत्र में आगे। y0 + 5/1 + y2 6/3 y4 + 5/5 + y6। अब आप ये देखें इसको थोड़ा सा याद करने के लिए कि जो आपके सम है वो सिंगल सिंगल है, y0 y2 y4 y6, मतलब एक एक बार आए हैं। ठीक है, अब देखो ये लास्ट वाला जब सारे ऐड होंगे ना, तो ये लास्ट वाला 2 बार हो जाएंगे, यानी जो भी 6 के मल्टीपल होंगे वो 2 2 बार आएंगे, y6 y12 y18 इस तरह से, क्योंकि आप ऐड करोगे ना इन दोनों को 2 बार ऐड होंगे, तो इसलिए 2 हो जाती है, लेकिन यहाँ पर सभी जो सम है वो आप एक ही बार आएंगे, y0 y2 y4 और y6, और जो आपके विषम है उनमें कोई संख्या गुणा होकर आ रही है, एक y1 और y5 में 5 और y3 में आपका 6, तो आप ध्यान रख लेंगे। अब आप अगला इसी प्रकार आप समाकल निकालेंगे x0 + 6 x0 + 12 तक, तो ये आपका ये आ जाएगा y6 y8 y10 और y12, ये तो सिंगल मतलब इनके साथ कोई सिंगल गुणा नहीं होगा, जबकि y7 के साथ 5 का और y11 के साथ 5 का और आपका y9 9 है उसके 6 का, इसीलिए इसी
प्रकार आप n माइनस 6 से n h तक लोगे तो आपका ये आ जाएगा, ये y n माइनस 6 से लेके y n प्लस ये आपका ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इन सभी को जोड़ दोगे तो आपका x 0 से x 0 प्लस n h तक हो जाएगा और आपका सूत्र बन जाएगा 3h/10, सभी से कॉमन आ जाएगा। और देखो ये 22 6 वाला ये 2 हो जाएगा, बाद बाकी वही रहेगा 22 0 बाई टू बाई फोर और बाई मतलब बाई फोर है ये 22 0 बाई टू और बाई फोर ही तो आप मतलब सिम बोल रहे हैं, कोई सीधा जोड़ा नहीं होगा, जबकि 5/1 और 5/2 5/5 और जबकि 23 में 6 का गुणा। इस तरह से आपको ये न्यूटन कोट का सॉरी बेडल का रूल बन जाता है। तो आप सिलेबस में जो है ट्रेपीजोइडल का रूल है, सिम्पसन 1/3 है, सिम्पसन 3/8 है और आप बेडली का रूल है, चारों सामान जो क्षेत्रकलन सूत्र उससे बन जाते हैं। इसके बाद अगला जो आपका फॉर्मूला है वो आपका है गॉस का क्वाड्रेचर फॉर्मूला, उसे हम कल जो है अगले सेशन में बताएंगे और उसकी व्युत्पत्ति इस सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र से अलग है।